और देखिए लगातार झारखंड से आए दुखद खबर पर बने हुए हैं। चक्रधरपुर के पास रेल हादसा हुआ है, लगभग 50 लोग इसमें घायल हुए हैं। हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए हादसे में। अब तो यह आंकड़ा और बढ़ गया, जो आंकड़ा 50 का था वो 100 से भी ज्यादा हो चुका है। 100 के पार 120 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया, टाटा नगर हेल्पलाइन नंबर जो है 0657229-0324। मौके पर राहत बचाव कार्य इस वक्त जारी है। पटना से एनडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर भेजी गई है। तो आंकड़ा घायलों का बढ़ गया है और ये आंकड़ा अब 120 हो चुका है। झारखंड में बड़ा रेल हादसा, बड़ा बंबू स्टेशन के पास ही हावड़ा मुंबई मेल के 20 डिब्बे पटरी से उतरे, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। हावड़ा से चलकर मुंबई जाने वाली 12810 मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हुई। घटना झारखंड के चक्रधरपुर मंडल के राजखरसवा बड़ा बाम्बो स्टेशन के बीच हुई है। घने जंगल, रात का सन्नाटा और अचानक से ट्रेन में जोरदार झटका। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल में यह सुबह लगभग 4:15 बजे मालगाड़ी से टकराकर रेल जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 120 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना अभी तक मिल रही है। घटना की वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर चक्रधरपुर खंड पर रेल परिचालन फिलहाल पूरी तरीके से ठप हो चुका है। हादसे के कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया, जबकि कुछ ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। रेलवे अधिकारी पटरी की मरम्मत और ट्रेन परिचालन बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य इस वक्त कर रहे हैं। जो लोग घायल हुए उनको अस्पताल में पहुंचाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस हादसे के साथ फिर से कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं कि लापरवाही इतनी क्यों। तो ये तस्वीरें और यही बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। झारखंड में एक बड़ी घटना घटी है, चक्रधरपुर ये रेल मंडल और यहाँ पर बाराबांबू रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ी घटना घटी। 120 लोग जो कि जख्मी, आप सोचिए, क्योंकि लगातार भारत 24 आप तक हर एक जानकारी पहुंचा रहा है। और इससे पहले हम बता रहे थे, केशव भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। हमारे साथ केशव भी हमारे सहयोगी लगातार बने और केशव हर एक जानकारी, हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे। और केशव, क्योंकि अमूमन एक ट्रेन में अगर हम देखें तो 24 बोगियां होती हैं, 18 डिब्बे बेपटरी हो गए, एक बहुत बड़ी घटना घटी है और अब घायलों का आंकड़ा बढ़कर 120 हो चुका है। अब बिल्कुल प्रिया, देखिए लगातार घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से यह हादसा हुई है मुंबई मेल एक्सप्रेस के सिर्फ और सिर्फ 4 डब्बों को छोड़कर बाकी जितने डब्बे थे, यानी कि 18 डब्बे बेपटरी हो चुकी है। यानी कि 22 एक ट्रेन में 22 डब्बे होते हैं, कुछ लगे होते हैं, उसमें से 18 डब्बे बेपटरी हो चुके हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 डब्बे ही पटरी पर टिकी हुई अभी नजर आ रही है। फिलहाल रेलवे की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाई जा रही है ताकि जो यात्री इन 18 डब्बों में फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि 150 के आसपास जो घायलों की संख्या है वो हो चुकी है और उनको नियर बाय हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और एक यात्री की मौत की खबर अभी तक आ रही है। और आपको ये भी बता दो प्रिया कि ये जो ट्रेन हादसे की शिकार हुई है मुंबई मेल एक्सप्रेस, ये अपने टाइम से 3 घंटे की देरी से चल रही थी। और जो क्विक अपडेट ये दीजिएगा कि 2 लोगों की मौत की खबर है क्या? देखिए प्रिया, लगातार जो इस तरह की खबरें आती रहेगी क्योंकि जिस तरह से घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है तो मौत की जो संख्या वो बढ़ी है। लेकिन फिलहाल जो मेरे पास जानकारी है वो एक यात्रियों की मौत की खबर अभी तक आई है रेलवे। तो केशव, ये जो संख्या है लगातार क्योंकि बढ़ रही, पहले 40 थी घायलों की संख्या, अब 120 हो गई है और मृतकों की संख्या भी क्योंकि बढ़ रही, तो अभी आंकड़ा और बढ़ सकता है क्या? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि अभी कई लोग उसमें फंसे हैं और उनको निकालने की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। इसमें इस हादसे में जो मौत की संख्या वो जरूर बढ़ सकती है क्योंकि जिस तरह की हादसे हुई है और जिस तरह से लगातार जो घायलों की संख्या वो बढ़ती जा रही है, इसमें हो सकता है कि जो हतोहत होने की खबरें हैं वो भी ज्यादा आएगी। लेकिन फिलहाल रेलवे की तरफ से ये कोशिश किया जा रहा है कि जो लोग इसमें घायल हुए हैं उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और जो लोग अभी भी उन बोगी में फंसे हुए हैं उनको भी निकालने की कोशिश किया जाए। लेकिन फिलहाल जो कोशिश किया जा रहा है कि जो अभी भी जो कुछ पैसेंजर फंसे हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो घायल है उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक जो मौत की संख्या है वो एक बताई गई है रेलवे की तरफ से, लेकिन आधिकारिक रूप से इसका जानकारी अभी नहीं आई कितनी मौतें हुई है। लेकिन फिलहाल रेलवे की तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए उनको निकाला जाए, क्योंकि अब लोको पायलट को लेकर भी इस तरह की खबरें हैं कि इससे पहले उनको भी 3 बार अवार्ड से नवाजा जा चुका है सर्वश्रेष्ठ ड्राइवर के। और जो ट्रेन की रफ्तार है उसको लेकर भी इस तरह की खबरें हैं कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
ट्रेन चल रही थी। लापरवाही हुई कहां पर है, क्योंकि इससे पहले जो हादसे हमने देखे हैं कि जांच के चक्रव्यूह तक ही चीजें फंसकर रह जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इस तरह के हादसे होते हैं उनसे कोई सबक नहीं लेता। देखिए, जो ड्राइवर है वो तीन बार सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं, और इसलिए कोई डॉट नहीं कि ड्राइवर की गलती हुई होगा। ड्राइवर पहले से जानकारी मिल रही है, रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है कि ये ट्रेन 3 घंटे की देरी से चल रही थी, और जब टाटा मेगा रेलवे स्टेशन 2:39 पे पहुंचती अपने निर्धारित समय से, वहां पर नहीं पहुंचती, 3 घंटे की देरी पे पहुंचती है ट्रेन। सुबह जो है टाटा नगर उनको पहुंचना था 11 बजे, लेकिन 2:39 पहुंचती है, और उसके बाद वहां से खुलकर जब 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन आगे चल रही थी, उसकी वक्त चक्रधरपुर के पास ही हादसा होती है। जो ट्रेन के लोको पायलट हैं KVS राव और सहायक लोको पायलट से अंसारी और मोहम्मद रेहान, उनको जो है 3 बार सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है रेलवे की तरफ से, इसलिए उनकी काबिलियत से कोई शक नहीं है, और वो अपने स्पीड जो मैंने पहले जांच के बाद ही तमाम बातें निकल करके सामने आएगी केशव, कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। 4 तस्वीरें आप हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं अलग अलग कैमरों के एंगल से, कि कैसे एक बड़ी घटना घटी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एनिमेशन के जरिए भी, मैं आपको बता रही कि कैसे ये ट्रेन गुजरती है, और एकदम से 18 बोगी ऐसी जो कि बेपटरी हो जाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय मंडल इस वक्त कनेक्टेड है, और धनंजय फिलहाल झारखंड में इसको लेकर के कैसी हलचल, खबर ये भी है कि रांची से भी बाकायदा एक टीम भेजी गई है, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त कैसी स्थिति बना लगा हुआ है। 3:45 में ट्रेन डिरेल हो जाती है, और ये टाटा जैसे चक्रधरपुर से पहुंचने से पहले ट्रेन डिरेल हो गई है, यानी इस ट्रैक में जो जानकारी निकल के आ रही है पहले से मालगाड़ी डिरेल हुई थी, और उसी ट्रैक में वो गाड़ी, क्योंकि दूसरे ट्रैक में मालगाड़ी के डिब्बे चले गए थे, और गाड़ी बॉम्बे मेल कलकत्ता हवाड़ा से खुलने बाद ये बॉम्बे की ओर जा रहे थे, उस ट्रेन चक्रधरपुर पहुंचने से पहले एक स्टेशन आता है राजखरसावां और बड़ा बम्बो, इस स्टेशन के बीच में गाड़ी डिरेल हो जाती है, और लगभग 4 बोगी जो जनरल बोगी है उनको छोड़ के सारे बोगियां डिरेल हो गई है, और इसे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है रेलवे की जो घटना घटी है। और अभी तक जो जानकारी निकल कर रही है लगभग 100 लोगों के घायल हो गए, जिसको चक्रधरपुर में रेलवे के बड़े अस्पतालों वहां पे भेजा जा रहा है, कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जा रहा है, और जो ज्यादा सीरियस उसको रांची के रिम्स अस्पताल रेफर किया गया है। वहां पे चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM हो या जो वहां के कलेक्टर है वो दोनों घटनास्थल को पहुंच गए, एम्बुलेंस से सभी घायलों को भेजा जा रहा है, और साथ साथ जितने भी चक्रधरपुर से DMO EMO चलने वाली सारी गाड़ी को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि तीनों लाइन ब्लॉक हो चुकी है, जो बेल की जो बोगी है तीनों पटरियों पे अप एंड डाउन के पटरियों पे लग गई, जिसके कारण सारे परिचालन वहां पे बंद हो गया, और कुछ जो रेलगाड़ियां जहां तहां फंसी उसको दूसरे लाइन से निकालने की कोशिश की जा रही है। 2 लोगों की मौत हुई है, 5 लोगों को गैस कटर से बोगियों से निकालने की कोशिश की जा रही है, उसकी हालत कैसी है उसको जो बचाने की कोशिश रेलवे प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल रेलवे प्रशासन से खड़ा होता है कि आखिर रेलवे कर्मचारी के द्वारा वहां पे बिना देखे गाड़ी को कैसे परिचालन कर दिया गया, आखिर मालगाड़ी पहले से वहां पे डिरेल थी, तो ये बॉम्बे मेल जो लंबी दूरी तय करती है हावड़ा से बॉम्बे मेल जो ट्रेन जाती है 12810 और वो चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन से पहले डिरेल हो जाती है, तो सवाल प्रशासन और रेलवे प्रशासन पे खड़ा था, जांच का विषय है, रेलवे प्रशासन जांच करेगी आखिर किसकी लापरवाही, उस पर SIT टीम गठित भी करेगी और उस पर कार्रवाई भी करेगी, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि यात्रियों को वहां से निकाला जा रहा है, यात्रियों को बचाव का, क्योंकि और एक चीज ये भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से उस एरिया में कोऑर्डिनेट कर दिया गया ताकि लूटपाट ना मचे, क्योंकि वो एक तरह से इंटीरियर एरिया है, वहां पे आम लोगों ने सबसे पहले बचाने का कोशिश किया, जो वहां पे आसपास के गांव के इलाके वो पहुंचे, उन लोगों ने यात्रियों को निकालने की कोशिश किया। और क्या लग रहा है स्थिति को देखते हुए, कब तक रेस्क्यू पूरा कर लिया जाए, अधिकारियों से कोई बातचीत इसके रिगार्डिंग आपकी हो पाई है क्या अभी? देखिए, वहाँ के जो CPRO है जो चक्रधरपुर के, उनसे जो बात हुई, उनका कहना कि बचाव कार्य जारी है, कोशिश कर रहे हैं ज्यादा जल्दी से जल्दी बचाया जा सके, सबसे पहले प्रायोरिटी है जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जाए, उसके बाद ही वो गाड़ी को रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि रांची और चक्रधरपुर क्योंकि एक अपने जो दक्षिण पूर्व रेलवे का अनुमंडल आता है वहां से गाड़ी रिलीफ ट्रेन सारे निकल चुकी है और कुछ गाड़ियां रिलीफ की वहां पहुंच गई है, जिससे आनंद पहले प्रायोरिटी है कि लोगों को निकाला जाए, उसके बाद लाइन को क्लियर किया जाए।
सबसे पहले जो 5 लोग पूरी तरह से वहां फंसे हुए हैं एक बोगी में, उसको निकालने की कोशिश किया जा रहा है। उसके बाद गाड़ियों को वहां पे जो जिधर उधर बोगी गिरे हैं उनको सही किया जाए, लेकिन सबसे पहला काम है कि उन लोगों को निकाला जाए और जो घायल है उनके उपचार के लिए बेहतर अस्पताल भेजा जाएगा। क्योंकि आपने बताया कि वहां पर जो लोकल हॉस्पिटल है वहां पर घायलों को शिफ्ट किया गया है, कई ऐसे लोग भी हैं जिनको रांची के रिम्स लाया गया है, लेकिन ये बताइए कि क्या अभी तक आंकड़ा स्पष्ट हो पाया, क्योंकि 120 तो घायल हैं, क्या इनमें से किसी की हालत बहुत क्रिटिकल भी है, इसको लेकर के क्या प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई? देखिए, अगर अनुमान लगाया जाए तो 18 बोगी डिरेल हुआ है, एक बोगी में 72 पैसेंजर होते हैं। जो बोगी का स्थिति देखने को मिल रहा है उससे यही लगाया जा रहा है कि 120 से ज्यादा लोग घायल की संख्या बढ़ सकती है और मौतों की भी संख्या बढ़ सकती है। अभी तक आधिकारिक तौर पे 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, लेकिन जो 5 लोग फंसे हुए हैं उसकी स्थिति कैसे है वो वहां पे जो बचाव कार्य किया जा रहा है उसके बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि रेलवे ने अभी आधिकारिक पुष्टि जो घायलों को की है 120 के लगभग उन्होंने कन्फर्म किया है। हालांकि सबसे पहला जो काम है जो घायल हुए हैं उसमें कई लोग ऐसे क्रिटिकल है जिनको रांची रेफर किया गया है और रांची लाने की कवायद शुरू की गई है, और जो चक्रधरपुर वहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर है तो वो चक्रधरपुर में रेलवे के बड़ा अस्पताल है, क्योंकि वो डिवीजन है, रेलवे डिवीजन है, तो वहां पे अस्पताल है, वहां पे लोगों को शिफ्ट किया गया, साथ ही साथ खासवा के अस्पताल में शिफ्ट किया गया, टाटा में भी झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है वहां पर भी लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है ताकि लोगों को बचाया जा सके, घायलों को उपचार किया जा सके। रेलवे अधिकारी प्रशासन, अच्छा क्योंकि धनंजय पिछले कई बार के जो हादसे उसमें देखा गया कि लोगों को काफ़ी देर से ये तमाम सुविधाएं मिलनी शुरू हुई या फिर उन तक ये जो लोग थे अधिकारी थे या राहत बचाव कार्य दल थे वो पहुंचे, इस बार क्या त्वरित कार्रवाई हुई थी और इसलिए लोगों की जान को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की जो कोशिश है उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है? ट्रेन डिरेल होती है उस समय लोग ज्यादा लोग सोए रहते हैं ट्रेन में, और उसके बाद जब अधिकारियों को ये पता चला कि ट्रेन डिरेल हो गई है तब आनंद फानंद में, क्योंकि चक्रधरपुर सामने ज्यादा दूर नहीं तो वहां से अधिकारियों तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया, लेकिन जब तक वहां पहुंचे तब तक लोगों की अफरा तफरी मच गई थी, लोग इधर उधर कूद के भागने लगे, क्योंकि जब बहुत तेज आवाज हुआ जिस तरह से बम फटता उस तरह से बोगी टूटने की आवाज आई और लोग अफरा तफरी मच गया जिसके कारण लोगों की, क्योंकि ये तस्वीरें हम देख रहे हैं ज्यादातर एसी बोगियां इसमें नजर आ रही है और एसी बोगियां पूरे तरीके से पैक भी होती है, तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती रेस्क्यू ऑपरेशन में। मैंने जैसे बताया 4 जनरल बोगियों को छोड़ के सभी बोगियां डिरेल हो गई है, यानी आप समझ सकते हैं सारे एसी बोगी, एक बोगी अगर ट्रेन में देखा जाए तो 22 डब्बे होते हैं और 4 2 आगे जनरल बोगी होती है 2 पीछे जनरल बोगी होती है, वो जनरल 4 बोगियों को छोड़ के सारे डिरेल हुए हैं और डिरेल होने के कारण लोगों जिस तरह से फंसे हुए हैं एसी बोगी नीचे चक्का टूट के दब चुका है, इससे साफ साफ नजर आ रहा है कई लोग यहाँ से दबे हो सकते हैं, उनको बचाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, रेलवे प्रशासन पुलिस कलेक्टर सभी लोग वहां स्थानीय जो स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, पहुंचने के बाद लोगों को जो रिलीफ जो टीम एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच रही है, क्योंकि जमशेदपुर से एनडीआरएफ टीम और रांची से भी। अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें हम आपको ये लगातार दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना भीषण रहा होगा, शायद ये लोग हालांकि अभी जिस तरह से 1 या 2 लोगों के मौत की खबर आ रही है शायद ये लोग जानते हो कि ये आखिरी सफर है इन लोगों का।